हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स एक्चुअली में बच्चों को बहुत कम आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि चीजें कैसे कैसे एक्सेलरेट करती हैं, डी एक्सेलरेट करती हैं, कब किस ग्राफ की क्या क्या इक्वेशन होने वाली है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद आपको ग्राफ का बेसिक आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना, आपको ग्राफ अच्छे लेवल पे करवाए जाएंगे विद क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के हम ग्राफ का बेसिक स्टार्ट करते हैं। चलो जो देखो बेटा ग्राफ्स, देखो ग्राफ के अंदर हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, हमने मैक्सिमा और मिनिमा भी पढ़ा दिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा दिए थे। ठीक है, अब हम ग्राफ्स के बेसिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगी आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी चीजों फिजिक्स के अंदर। ठीक है, चलो जी देखते हैं। देखो बेटा सबसे पहले जो सबसे सिंपल ग्राफ आता है आप देखते हो y इक्वल्स टू mx। ठीक है, अब बेटा m क्या होता है, मैंने वहां पे डिस्कस किया था, m का मतलब होता है बेटा स्लोप। m क्या होता है, स्लोप। जहां पे मैंने ये भी बताया था कि m का मतलब होता है dy बाई dx, मैंने इसका मीनिंग भी बताया था क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा y इक्वल्स टू mx, mx का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करती है, बेटा कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास करती है तो उसकी उसके लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू mx। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी इसकी। जैसे आप इक्वेशन ले y इक्वल्स टू कोई बोले 8x, तो बेटा क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगी, इसका स्लोप क्या आ गया, 8 आ गया, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगी लाइन। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन है। अब क्या होता है, बहुत सारी इक्वेशन ऐसे भी आती है, ये तो बेटा पॉजिटिव स्लोप के साथ हो गई। ठीक है, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप के साथ आ गई, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो बेटा लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। क्यों, वहां पे ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। ठीक है, वहां पे ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। बेटा याद रखना ये ऐसे है, मतलब लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ ऐसे होने वाला है। ठीक है, अगर आपको प्लस सी और दे दे तो ये रहा। ठीक है, प्लस सी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जैसे कि बोल दिया y इक्वल्स टू 6x प्लस 4। ठीक है बेटा, जो ये c होता है ना इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, आज का बेसिक होने वाला है, आपको सारी की सारी चीजें ड्रॉ करनी आ जाएंगी कम से कम। ठीक है बेटा, ये इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो अगर ओरिजिन से यहां पे डिस्टेंस, यहां से कोई लाइन ड्रॉ कर दे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहां से ड्रॉ कर दे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। जैसे देखो मैंने यहां पे पॉजिटिव स्लोप के साथ लाइन ड्रॉ कर दी, अब जब पॉजिटिव स्लोप के साथ लाइन ड्रॉ की है तो बेटा देखो ये वाई एक्सिस के ऊपर जो लाइन बनी है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ आपको ये प्रूव भी करवाएंगे कैसे कैसे इक्वेशन कैसे कैसे आ रही है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी बताएंगे कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट आएगा या वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट आएगा। बेटा ये तो है ना, यहां पे स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा स्लोप तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो ये नेगेटिव हो गया ना, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, टेन 90 क्या होता है, टेन 90 से ज्यादा चीजें नेगेटिव आ जाती है, क्यों, क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है उसका। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ना। इनकी इक्वेशन ड्रॉ करना, हम सारी की सारी इक्वेशन ड्रॉ करना सीखेंगे बाय द क्वेश्चन, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ को समझना है। ठीक है, ये भी आ गया ग्राफ। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएंगी ना उनके लिए, ये ग्राफ करेंगे। अब देखो नेगेटिव स्लोप के साथ, जैसे कि y इज इक्वल टू 8x माइनस 4 आ गया, आ गया ना ऐसे आ गया, देखो तो ये आ गया इंटरसेप्ट, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब बेटा बहुत बार क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 4 होगा, अब बेटा यहां पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तो बस स्लोप को हम नेगेटिव कर देंगे और कुछ भी नहीं करना, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी क्या करना, आपको ये लाइनिंग ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि इन चीजों की इक्वेशन कैसे आता है, इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर ना ये बेटा नेगेटिव इंटरसेप्ट आ जाएगा, मतलब ये माइनस फोर वाला, अगर ये भी चीजें आ गई तो स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इंटरसेप्ट देखो यहां पर आ गया ना, नेगेटिव नेगेटिव स्लोप, थीटा भी क्या हो गया यहां पर देखो, नेगेटिव हो गया। ठीक है, हर एक चीज डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन के साथ। अब देखो बेटा अगर कहीं आपको ऐसे इक्वेशन मिलती है जैसे कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x या 2 अपॉन x, ठीक है, तो बेटा देखो इसके दो तरीके होते हैं,
अगर आपको पॉजिटिवली चीज दे रखी है ना अपॉन टू अपॉन एक्स, तो जो इसको बोलते बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, इसको क्या बोलते बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिजिक्स में जनरली हमें ऐसी इक्वेशन देखने को मिलती है, इसलिए हमें इतना ही आना चाहिए बेसिक, ठीक है। अब देखो, अब इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर बेटा ये y = 2 डिवाइडेड बाय x मतलब पॉजिटिव है, तो बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ठीक है। क्यों आता है, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है, y अगर 0 की तरफ जा रहा है तो x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर बेटा y = -4 / x आ जाए, मतलब नेगेटिव वाला आ जाए, है ना, मतलब ये स्लोप होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे हम, दिस क्वाड्रेंट एंड दिस क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि बेटा जो फर्स्ट है उसमें टेन इसमें भी पॉजिटिव रहता है, इसमें भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है, ग्राफिक प्रकार से स्लोप होता है, तो टेन इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, तो यहां पे तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगर अब यहां पे स्लोप क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया, अगर dy / dx वगैरह निकालेंगे ना इसका, बेटा dy / dx सब कुछ डिस्कस करेंगे जैसे जैसे, अभी तो हमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है, ठीक है। dy / dx करेंगे तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव tan थीटा कहां कहां पे रहता है, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहता है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दोनों के अंदर आएगा, ऐसे ऐसे इक्वेशन आएगी, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो पैराबोला बेटा, ये क्या है, पैराबोला। अब देखो पैराबोला भी चार तरीके के होंगे, वो कोई ओपन इस साइड होगा, कोई लेफ्ट साइड होगा, कोई अपवर्ड होगा, कोई डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, बेटा अगर ऐसी इक्वेशन, कहने का मतलब हुआ y इज इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना, पैराबोला को ऐसे अपवर्ड कर दो, ठीक है। तो मतलब ऐसी इक्वेशन को आपको कंपेयर करना आना चाहिए, जब भी आप फिजिक्स के अंदर इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो बहुत सारी इक्वेशन ऐसे टाइप की मिलेंगी, तो आप उनका ग्राफ करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। देखो बेटा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो बेटा देखो इनवर्स आ रहा है, तो बेटा हम कौन सा ग्राफ, एक ही ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट, ऐसे ऐसे नहीं करते, सारे के सारे ग्राफ आएंगे, आपको पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो मिलेंगी, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ाया जाएगा, उसमें भी आपको ग्राफिकली सारी की सारी चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है। अब देखो अगर ऐसी कोई इक्वेशन मिलती है ना बेटा, आपको उसको आएगा क्या, पैराबोला। ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन वगैरह होती है, हर एक चीज प्रूव करवाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो अगर बेटा वाई के ऊपर बोले ना, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो बेटा वाई के ऊपर हमें पैराबोला को फॉर्म करना है। अगर x के ऊपर बोले तो बेटा x के ऊपर फॉर्म करना है, ठीक है। हमारे एनडीए नेवी एयरफोर्स जो डिफेंस की एग्जाम होते हैं सारे के सारे, उनके लिए हमें बस इनका बेसिक आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज कब बढ़ रही है और कब घट रही है, ठीक है। अब देखो आगे बेटा, ये भी बहुत आपको कहां पर इक्वेशन मिलेंगी बेटा, एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर ऐसी इक्वेशन मिलेंगी आपको, ठीक है, जहां पे डीके होगा, ठीक है, डीके के अंदर आपको ऐसी इक्वेशन मिलेंगी। अब देखो अगर ऐसा आ जाए तो बेटा क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब देखो बेटा अगर बेटा x जीरो होता है, अगर x को जीरो कर दोगे आप यहां पे, तो किसी की भी पावर जीरो, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो e की पावर जीरो वन, तो y क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर x जीरो होता है तो y क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बेटा, y क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बेटा। अगर y a है, मतलब अगर x को इनफाइनाइट कर दोगे, इसको इनफाइनाइट कर दोगे, तो बेटा y क्या हो जाएगा, y अगर जीरो है तो a, अगर इसको इनफाइनाइट कर दिया तो बेटा इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, a रहेगा, मतलब बड़ा वैल्यू, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बेटा अगर इसको माइनस के साथ आ जाए, वन माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, अब देखो ये वैल्यू इसकी, मतलब इससे एक्सट्रीम नहीं जाएगी कोई भी वैल्यू, ठीक है। अब देखो बेटा एक्स को जीरो रखो, एक्स को जीरो रखो, ये क्या हो जाएगा, वाई, ये वन हो गया। अरे देखो अगर इसको जीरो रखोगे तो किसी की भी पावर जीरो वन होता है, तो वन माइनस वन, तो जीरो हो गया वाई, वाई जीरो हो गया बेटा। इसको इनफाइनाइट रखो, ठीक है, इनफाइनाइट रखोगे तो ये कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ठीक है, तो ये a ही रहेगा, ठीक है, वो भी
ए ही रहेगा, इनफाइनाइट रखोगे तो ये कुछ ना कुछ वही आएगा निकल के, किसी की भी पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो आई बात समझ में आपको, अब मेरी बात सुनो, अब क्या होगा कि ग्राफ के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन का मतलब जैसे ये बोल दिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, बेटा इसको पैराबोला को शिफ्ट कर देंगे ऊपर, ठीक है, मतलब भाई ये 4 इंक्रीज कर जाएगा, अगर इस पे करेगा तो पैराबोला को यहां पे शिफ्ट कर देंगे, बहुत नेगेटिव आ जाएगा तो यहां पे शिफ्ट कर देंगे, और कोई पार्ट आएगा नीचे वाला नेगेटिव आएगा तो इसको यहां पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनका शिफ्टिंग भी पटेंगे, सारी की सारी चीजें पटेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो बेसिक्स है ना वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ताकि हम आगे के क्वेश्चन आराम से कर सके। अब देखो हम सर्कल वगैरह का भी इक्वेशन पढ़ेंगे, बेटा सर्कल की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इलिप्स की भी पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, सारी की सारी इक्वेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सारे के सारे ग्राफ पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशंस को भी करेंगे, और इन्हीं के ऊपर हम विद क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं और उनको डिटेक्टिफाई कैसे किया जाता है, कि कैसे चीज वेरी कर रही है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन्हीं ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चंस के साथ आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।